बगर टेक्नो आईटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं आदित्य पंडित और मैं आज आप लोगों को जेम पे डी वन टू ऐसे ऑप्शन जो आ रहा है साहा, ऑप्शंस फॉर साहा, इसके बारे में बताऊं। एक्चुअली ये क्या चीज है और ये अपडेट्स जो आए हैं इसके रिगार्डिंग, अभी तक जो इसके अपडेट्स है पूरे तरीके से नहीं है, तो आप फिलहाल इसको ज्यादा यूज मत कीजिए। मैं स्टार्टिंग्स के वीडियोज बना रहा हूँ सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए। ये अभी तक पूरे तरीके से प्रमोट नहीं हुआ है और मैं जैसा बोल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली आप पूरी तरीके से मत कीजिए, पर अभी ये आगे अपडेट होने के बाद मैं इसके रिगार्डिंग और डिटेल्स में वीडियो बताऊंगा। बेसिकली ये है क्या चीज, आज इसके बारे में डिटेल्स में बताएंगे और ये कैसा वर्क करता है। तो साहा, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, यस या नो। आप यस कर सकते हैं और नो, मतलब यस यदि करेंगे तो क्या होगा, ये बेसिकली किस चीज पे, लोन के रिगार्डिंग है। आपको लोन मिलेगा जब आप कोई भी इनवॉइस, आपको कोई ऑर्डर्स मिलता है, कोई भी ऑर्डर्स मिलता है उसके रिगार्डिंग आपको बैंक्स लोन प्रोवाइड करेगी 90 डेज के लिए। 90 डेज में आपका पूरा का पूरा पेमेंट प्रोसेस हो जाना चाहिए एज पर जेम के टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली। तो इनके पास, आपके पास फंड नहीं है और आप काम नहीं कर पा रहे, तो बैंक आपको 90 डेज के लिए शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करेगी साहा के हेल्प से। ये आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको मोबाइल ऐप रहेगा, वो ऐप के थ्रू से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी ऐप जो है वो प्रॉपर वे से वर्क नहीं कर रहा है और इसलिए अभी तक वो प्ले स्टोर में भी अवेलेबल नहीं है। तो प्लीज अभी आप डाउनलोड मत कीजिए जब तक इसके ऊपर कंफर्मेशन वीडियो में नहीं लेके आ जाता हूँ। फिलहाल आप काम कर सकते, किस तरीके से वर्क करता है वो मैं आपको आगे डिटेल बताता हूँ। देखिए यहाँ पे, तो इस तरीके से आप यहाँ पे यस करना है। यदि आपको लोन चाहिए तो आप इस तरीके यस करेंगे। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन जो आएगा आगे, आपको क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा, ये मोबाइल ऐप ही होगा। मोबाइल नंबर डालना क्या है, जेम से जो रजिस्टर्ड है, और वहाँ पे आपका जो यूजर नेम है, जेम का जो यूजर नेम वो डालना है, और जीएसटी। इसके लिए आपके पास जीएसटी होना जरूरी है, प्रोप्राइटरशिप कंपनी होने दीजिए या कैसे भी, आपके पास जीएसटी नंबर होना जरूरी है। यदि आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है और आप एंट्री नहीं किए, तो आप इसके लिए ऑप्शनल में वैलिडेट नहीं है। तो यहाँ पे आपका परचेज ऑर्डर रहेगा, जो भी आपको परचेज ऑर्डर है वो आपको जैसे लॉग इन करेंगे आपको दिख जाएगा सभी जो भी आपको ऑर्डर्स मिले हुए। उसके अकॉर्डिंगली लोन, किसके अकॉर्डिंगली लोन चाहिए वो आपसे नीचे पूछा जाएगा, किसके रिगार्डिंग लोन चाहिए। यहाँ पे आपको सब बैंक आपके आपको लोन के बारे में इंफॉर्मेशन और लोन के बारे में आपका रेट्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप मुझे 150,000 रुपीज लोन चाहिए पीओ के अकॉर्डिंगली, तो लोन अमाउंट जो होगा, पीओ अमाउंट 150,000 है बेसिकली, जो लोन अमाउंट होगा वो उसका मैक्सिमम 80% लोन प्रोवाइड करेगी बैंक। सभी बैंक मैक्सिमम 80% एज ए रूल, मैक्सिमम उससे कम हो सकता है पर मैक्सिमम 80% तक लोन प्रोवाइड करेगी। तो आपको वो 105,000 लोन प्रोवाइड कर रहा है, इंटरेस्ट आपका आएगा 13%, 3,412। ये अकॉर्डिंगली बढ़ेगा या कम होगा, बैंक बाय बैंक आपका डिफर रहेगा, तो आप इसमें से चूज कर सकते। तो आपको 90 डेज के अंदर 1,05,000 रुपीज रीपेमेंट करना है। ये आपको नहीं पेमेंट करना है, ऑटोमेटिकली जैसे ही आपके अकाउंट में पैसा आएगा वैसा ही पहला इनको पेमेंट जाएगा और बैलेंस अमाउंट ही आपके अकाउंट में आएगा। ये आगे का ऑप्शन है। आपको इसके लिए KYC से अपडेट करना पड़ेगा, आधार नंबर वगैरह डालना पड़ेगा और OTP डाल के इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। इसे वेरीफाई करेंगे, शेयर डिपॉजिट अकाउंट, कौन से अकाउंट में आपको डिपॉजिट करना है पैसा, ये भी आपको डायरेक्ट जेम से लिंक होगा और जेम में जो प्राइमरी अकाउंट होगा उसी अकाउंट में डिपॉजिट होगा और उसी अकाउंट से ऑटोमेटिकली रिफंड आपका, जैसे ही डिपार्टमेंट पेमेंट करेगी ऑटोमेटिकली वहां से रिफंड होके ऑटोमेटिकली ये सभी बैलेंस आपका हो जाएगा। ये पूरा का पूरा डिटेल्स है जो अभी तक पूरी तरीके से अपडेट नहीं है। मेरे काफी स्टूडेंट हमें पूछ रहे थे, जो लोग हमसे ट्रेनिंग लिए, ये नया अपडेट क्या है और क्या है, बहुत सारे मैसेजेस आए, इसलिए हम इसके रिगार्डिंग आपको वीडियो बनाना चाहते। पर मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि जब तक इसके ऊपर पूरी अपडेट्स नहीं आ जाती है प्लीज इसको यूज अभी मत कीजिए इसको, क्योंकि ना ये अभी तक ऐप प्ले स्टोर में अवेलेबल है और ना कहीं पर भी, डायरेक्ट इनकी वेबसाइट से जाके ही आपको वहां पे पेमेंट करना पड़ता है। और वो ऐप अभी तक मैंने खुद यूज किया, वो ऐप पूरी तरीके से वर्क भी नहीं कर रहा है, OTP वैलिडेट नहीं हो रहा है
और भी बहुत सारे हैं। जब तक ये इसके बग्स पूरी तरीके से निकल नहीं जाते, पूरा प्रॉपर रन नहीं हो जाता, तब तक इस ऐप्स को यूज मत कीजिए, ठीक है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।